चलिए जान लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आज दिन भर से लेके सभी मुख्य समाचार ताजा और सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज चार बड़े फैसले और चार नए नियम लागू कर दिए हैं, जो कि एक एक उत्तर प्रदेश वासियों पर लागू होता है, जिसे आप सभी लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शुरू किया एसएमएस व ओटीपी बेस्ड मोबाइल ऐप से शिकायत दर्ज करवाने का सिस्टम, इस शहर से शुरुआत। जी हां, योगी सरकार ने अब नोएडा में एक विशिष्ट एसएमएस व ओटीपी बेस्ड मोबाइल ऐप को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐप बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम के निर्माण व क्रियान्वयन का काम शुरू हो गया है। इस ऐप की खासियत है कि इसमें शिकायतकर्ता वन टाइम्स पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकेंगे तथा शिकायत दर्ज कराने के बाद एसएमएस के जरिए उन्हें वाद निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर, विवरण व अन्य संपर्क सूत्र प्रदान किया जाएगा। बता दें कि इस ऐप के जरिए शिकायतकर्ता चरणबद्ध तरीके से शिकायत के निस्तारण की प्रगति की निगरानी भी कर सकेंगे। अभी तक नोएडा में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट प्रक्रिया को वेब पोर्टल पर हेल्पलाइन के जरिए ही अंजाम दिया जा रहा है, मगर ऐप के सुचारू होने के बाद इसे मॉनिटरिंग इनेबल्ड बनाने के साथ ही ज्यादा पारदर्शी, सरल और असरदार बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 24 घंटे तक रिमझिम, 22 जिलों में अलर्ट, झांसी और कानपुर में रात भर बरसात, 12 जिलों में कोहरे की चेतावनी। जी हां, यूपी में बारिश का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी है। लखनऊ में कल यानी सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, हालांकि उसके बाद हल्की धूप निकल आई। वहीं झांसी कानपुर में भी सोमवार को पूरे दिन बारिश हुई। आज सुबह की बात करें तो हल्की रिमझिम हुई, बादलों की लुकाछिपी चल रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट दिया है। इसके साथ ही 12 जिलों में कोहरे की चेतावनी दी है। आने वाले दो दिनों यानी 7 दिसंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। सोमवार की बात करें तो प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। चलिए अब जानते हैं कि किन जिलों में बारिश का अलर्ट है। तो इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बस्ती, अयोध्या, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, कुशीनगर और गोंडा में बारिश हो सकती है। अब इन जिलों में रहेगा कोहरे का असर, जैसा कि उनमें शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस शामिल है। अखिलेश के काशी दौरे के 8 घंटे, 4 जनसभाएं की, पूर्वांचल को संदेश देने की कोशिश, हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार का दिया नारा। जिया मिशन 2024 का शंखनाद करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अखिलेश ने 8 घंटे बिताए, 4 जनसभाएं की, पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। अखिलेश ने जोश भरने का प्रयास किया। उन्होंने चौबेपुर में सौरभ यादव के परिवार से मुलाकात की, 5 लाख रुपए का चेक सौंप कर आर्थिक मदद की। बता दें कि सौरभ को मार दिया गया था। इस दौरान अखिलेश योगी सत्ता पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग सीमाएं लांघ रहे हैं, उसमें समझाति लोग कानून और संविधान की परवाह तक नहीं करती। मुख्यमंत्री ने अपने समाज के लोगों को खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ से लेकर बनारस तक मनमानी जारी है। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार का जीरो टॉलरेंस खोखला है। जीरो टॉलरेंस का मतलब यही है कि पुलिस को खुली छूट दे दी है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तर्ज पर होगा माघ मेला। ममफोर्डगंज से मलाका तक बन रहा पुल, संगम तट पर बनेगा रोपवे, 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। जी हां, उत्तर प्रदेश में संगम तट पर साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा। इससे पहले 15 जनवरी से माघ मेला होने जा रहा है। यह माघ मेला महाकुंभ का फुल रिहर्सल माना जा रहा है। महाकुंभ के पहले गंगा नदी पर 10 किमी लंबा पुल बनाया जा रहा है। संगम तट पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के बस यात्रियों के लिए गुड न्यूज, रोडवेज की ऐसी बसें, वाराणसी लखनऊ का सफर अब 542 रुपए में कम हुआ किराया। जिया, ठंड में यात्रियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बड़ी राहत दी है। ऐसी बसों का 10% किराया कम कर दिया गया है। 16 दिसंबर से यात्री किराए में छूट का लाभ उठा सकेंगे। वाराणसी परिक्षेत्र के 35 एसी जनरल बसों के जरिए यात्री लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, अन्य जिलों की यात्रा करते हैं। अब उन्हें कम किराया देना होगा। वाराणसी से लखनऊ तक का जनरत की 2x AC बस का किराया 700 रुपए है। अब यात्रियों को 630 रुपए देना होगा। 3x2 की एसी बस का पहले किराया 602 रुपए था, अब 542 रुपए हो गया है।
उत्तर प्रदेश में मरीजों का सौदा कर रहे एम्बुलेंस चालक कमीशन के लिए सरकारी की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में छोड़ रहे आगरा सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। जी हां, इमरजेंसी के समय सही इलाज के लिए सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। उस वक्त दिमाग में होता है कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाए और इलाज मिल जाए। मरीज की इस मजबूरी का फायदा एम्बुलेंस चालक उठा रहे हैं। आगरा में पिछले 10 दिनों में 2 ऐसे मामले आ गए हैं जिसमें एम्बुलेंस चालकों ने मरीजों का सौदा प्राइवेट हॉस्पिटल में कर दिया, सरकारी के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। इन प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज के नाम पर हजारों का बिल बनाया, बाद में तीमारदारों को सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कराना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की मूर्ति तैयार, 3 मूर्तियों में जो सबसे बेहतर वही 10 दिन में चुनी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा में 11 करोड़ परिवार जुड़ेंगे। जी हाँ, भव्य राम मंदिर में विराजमान होने वाले रामलला की मूर्ति बनाकर तैयार हो गई है। कर्नाटक के 2 और राजस्थान के 1 पत्थर से कुल 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मूर्ति बनाकर तैयार है जिसे इसी सप्ताह राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़ी धार्मिक समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 15 दिसंबर तक इनमें से किसी एक मूर्ति का चयन किया जाना है जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। वही मंदिर में पीतल के स्तंभ लगाए जाने हैं जो कि हैदराबाद में तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शादी के 5 दिन पहले दुल्हन ने दिया ऐसा झटका, दंग रह गया दूल्हा और परिवार। जी हां, बुलंदशहर जिले में नगर क्षेत्र से एक युवती अपनी शादी से 5 दिन पहले दूल्हा और परिवार को झटका दे दिया। दुल्हन ने घर से नकदी जेवरात लेकर चली गई। पीड़ित पक्ष ने पासू के एक युवक पर उसको बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है। युवती अपने घर से करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवरात भी लेकर गई। नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में क्रिकेटर दीपक चाहर के पिता को ब्रेन स्ट्रोक, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। जी हां, अलीगढ़ क्रिकेटर दीपक चाहर के पिता लोकेंद्र चाहर को ब्रेन हेमरेज होने के चलते हालत गंभीर बनी हुई है। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। पिता की तबीयत खराब होने की सूचना पर दीपक भी T20 सीरीज छोड़कर आ चुके हैं। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर के पिता लोकेंद्र चाहर का उपचार रामघाट रोड स्थित मिथराज हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें मस्तिष्क का आघात हुआ है। वह बीते दिनों ही शादी समारोह में शामिल होने अलीगढ़ आए थे। देश को कमजोर करने वाले जाति के नाम पर बांट रहे सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्तमान में जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर वही लोग बांटना चाहेंगे जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में नहीं देखना चाहते। जबकि 142 करोड़ देशवासियों का लक्ष्य देश को विकसित और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। विकसित व आत्मनिर्भर भारत की राह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पंच प्रणय हैं। वहीं सीएम योगी ने आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 91वें संस्थापक समारोह में यह बात कही। दक्षिण भारत में आज चक्रवात ने निरस्त कराई 10 ट्रेनें, जानिए। जी हां, दक्षिण भारत में आज चक्रवाती तूफान के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों का निरस्त कर दिया है। आगरा रेल मंडल की PRO प्रशस्ति श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि कई ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। 5 और 6 दिसंबर तक यह निरस्त रहेंगी। बता दें कि चक्रवात मिचौंग उत्तरी तमिलनाडु तट के करीब पहुंच गया है। अब यह लगभग उत्तर दिशा में लगभग समांतर और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के करीब बढ़ेगा। यह लेनौर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार करेगा। जमीन से टकराते वक्त हवा की गति 90 से लेकर 110 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा इसी के चलते रद्द किया गया है। सीएम योगी अगले सोमवार को बलरामपुर के तुलसीपुर पहुंचने वाले थे। चीनी महिला पहुंचे जेल बिना वीजा, भारत में घुसपैठ की गुत्थी उलझी। जिया भारतीय क्षेत्र के नेपाल रुपई डीहा बॉर्डर पार करते समय गिरफ्तार चीनी महिला को कोर्ट में पेश होने के बाद जेल भेज दिया गया है। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद भी एजेंसियों के हाथों चीनी महिला के भारत में घुसपैठ की असल वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। बिना वीजा चीनी महिला ने भारत में घुसपैठ की यह तीसरी घटना है। हालांकि 2 बार नेपाल से आते समय पकड़ा गया, वह भी उस समय जब नेपाल में हिंदू राष्ट्र की फिर से वापसी को लेकर आंदोलन चरम पर है। यूपी में दान पत्र योजना का जलवा, मात्र 5000 स्टाम्प ड्यूटी में भाई बेटे समेत इनके नाम लिख रहे प्रॉपर्टी। जिया, दान पत्र योजना के तहत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रियां हो रही हैं। केवल आगरा में ही मात्र 3 महीने में पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इन 3 महीनों में 4691 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया। इससे निबंधन विभाग को 18 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व की प्राप्ति हुई है। दान पत्र में मिली छूट का फायदा उठाते हुए लोगों ने अपनों को 8 अरब की संपत्तियां देकर मालामाल कर दिया। दान पत्र के जरिए संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए सरकार की ओर से स्टाम्प ड्यूटी में रियायत का प्रावधान किया गया है। इसमें संपत्ति चाहे कितनी ही बड़ी हो, स्टाम्प ड्यूटी अधिकतम 5000 रुपए ही ली जानी है। हालांकि संपत्तियों का हस्तांतरण केवल रक्त संबंधियों के बीच ही किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण में नई तकनीकी लाने वाली संस्था को मिलेगा UPCM अवार्ड, कमेटी करेगी चयन। जी हां, इंडियन रोड कांग्रेस ने सड़क निर्माण में नवीन तकनीकी के प्रयोग पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष एक राजकीय संस्था को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मेडल देने का निर्णय लिया है। लखनऊ में आयोजित IRC के दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है, जिसे अहमदाबाद में आयोजित IRC में लागू किए जाने का फैसला किया है। बता दें कि अहमदाबाद में आयोजित IRC के 42वें सम्मेलन में यह तय किया गया है कि IRC प्रत्येक वर्ष इस मेडल के लिए एक राजकीय संस्था का चयन करेगा। यह जानकारी UPPWD के विभागाध्यक्ष व IRC के वाइस प्रेसिडेंट AK जैन ने दी है। 2024 में फतह के लिए रालोद का प्लान, वेस्ट यूपी को मथेगी, निकालेगी संदेश रथ यात्रा। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 में फतह के लिए रालोद ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। पश्चिमी यूपी को मथने के लिए रालोद का खेल प्रतिष्ठान प्रकोष्ठ 10 दिसंबर से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा निकाल रहा है, जिसका समापन चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 नवंबर को किसान घाट पर होगा। यह जानकारी खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने आज पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि इस संदेश रथ यात्रा का शुभारंभ 10 दिसंबर को सहारनपुर से किया जाएगा और रात्रि विश्राम शामली में होगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 12 लाउडस्पीकर उतारे गए, मस्जिदों के मौलवी मुतवली पर मुकदमा। जिया, सीतापुर में ध्वनि प्रदूषण को कम करने की गरज से जिले भर में लाउडस्पीकर की आवाज को मानकों पर कराने का अभियान पुलिस ने छेड़ा है। इसी कड़ी में अब तक 12 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। 356 की आवाज मानकों पर नहीं थी, उसे कम कराया गया। नियमों के उल्लंघन में मस्जिदों के मौलवी और मुतवली के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम 2000 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के मुताबिक शासन के द्वारा की गई गाइडलाइंस के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यह अभियान चल रहा है। राम महोत्सव 2024 में योगी सरकार सोशल मीडिया को करेगी राममय, इन्फ्लुएंसर से करेंगे कार्यक्रम का प्रमोशन। जी हां, योगी सरकार अयोध्या में जनवरी में होने जा रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि न सिर्फ पूरे प्रदेश को जमीनी स्तर पर बल्कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अगले 2 माह तक पूरी तरह से राममय बना दिया जाए। इसके लिए संस्कृति विभाग ने पूरा खाका खींच लिया है। इसके लिए संस्कृति विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर मौजूद बड़े इन्फ्लुएंसर्स से संपर्क साधने का काम शुरू हो चुका है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या के विकास, राम मंदिर और प्रभु श्री राम से जुड़ी गाथाओं को सोशल मीडिया पर जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाएगा। ममता, अखिलेश और अब नीतीश, एक हार से बिखरने लगा इंडिया का कुनबा, मीटिंग से रहेंगे दूर। जी हां, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी असमंजस की स्थिति पैदा होने लगी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके बिहार के समकक्ष नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 6 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले ही दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, अब क्षेत्रीय दल सीट बंटवारे पर भी जोर देते नजर आ रहे हैं। खास बात है कि इस बार बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजधानी दिल्ली में बुलाई है। अब ऐसे में बड़े नेताओं का बैठक से दूरी बनाना विपक्षी एकता के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। यह बैठक भी ऐसे समय पर बुलाई गई है जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरुआती दौर में है और 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान हुआ है। दरअसल CM बनर्जी तो यह भी दावा कर चुकी हैं कि उन्हें मीटिंग के बारे में जानकारी ही नहीं थी।